कोई सिंगल पीस लेना चाहता है, बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, वो यहाँ पे भरपूर यहाँ पे वैरायटी, अर्जेंट बेसिस पे अगर चाहिए हो तो वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। सोफ़ा बेड लेना चाहता है स्टील में तो ये सोफ़ा भी बन जाता है और बेड भी बन जाता है। इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स भी है, इसके पास और जगह कम है तो वो सिंगल भी ले सकता है। ये आसानी टेक्सटाइल की शीट का काम हुआ हुआ है। इसके अंदर आपको 100-150 कलर मिल जाएंगे। ये टोटल पार्टेक्स लेमिनेशन के अंदर बना हुआ है। सर बेड इसका 6x6.5 की साइज में बेड बना हुआ है। हम जमीन तक की पट्टियां बनाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर आपका सामान भी स्टोर हो जाता है काफी नीचे तक 1.5 इंच। ये आप देख सकते हैं कहीं भी आपको इसके अंदर जोड़ नजर नहीं आएगा। तीनों डोर अलग अलग है, घर जाके ज्वाइंट होकर पूरी अलमारी बन रही है। बीच में मिरर का काम हुआ है, मिरर वही शीट के ऊपर लगा हुआ है, मिरर कहीं भी नहीं जाएगा। लॉकर बना हुआ है इसके अंदर जो आपको हर बार दिखाते हैं, इसके अंदर भी एक लॉकर बना हुआ है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल है इसकी 3.5 फीट की साइज में ड्रेसिंग बनी हुई है। 3 दरवाजे ये हैं जी, मजबूत है भाई। मिरर का काम वही शीट के ऊपर हुआ हुआ है आपका, मिरर ये कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये ब्यूटी बॉक्स बना हुआ है इसका। ये 6 फिट वाला डिवाइडर रखा गया है, 3 डोर का डिवाइडर है अलमारी के साइज के ऊपर। तीनों डोर इसके अलग अलग है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है तिशाम जंजुआ। व्यूअर्स, आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के बाद आज मैं फिर से मौजूद हूं करीमाबाद फर्नीचर मार्केट में, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तिशाम भाई शादियों का सीज़न चल रहा है तो कोई ऐसी शॉप एक्सप्लोर करें जहाँ से हमें जहेज पैकेज मिल जाए बहुत ही मुनासिब पैसों में, होलसेल प्राइस पर। और काफ़ी तो ये भी कमेंट्स आते हैं तिशाम भाई हमारे कमरे के साइज़ बहुत छोटे होते हैं, हम एक फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें रिकमेंड करें जो सोफ़ा भी बन जाए और अगर हम उसको बेड बनाना चाहें तो बेड भी बनाएं। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत खूबसूरत और मज़े की ऑफर्स भी होने वाली हैं, डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर कोई लेना चाहता है सोफ़ा बेड लेना चाहता है स्टील में तो ये सोफ़ा भी बन जाता है और बेड भी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई लोहे में लेना चाहता है तो वो यहाँ से लोहे वाला भी ले सकता है। ठीक है, ये वाला स्टील का दिखाया हमने, ये लोहे का दिखा दिया। इसके अलावा अगर कोई लेना चाहता है सिंगल में, जिसके पास और जगह कम है तो वो सिंगल भी ले सकता है। ये भी सोफ़ा बन जाता है और बेड भी बन जाता है। अब चलते हैं अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स भी है। ठीक है, स्टोरेज बॉक्स भी है इसके अंदर। अंदर चलते हैं, थोड़ा वाइड करके अगर आप दिखाएं तो अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहता है, बेड, अलमारी, ड्रेसिंग, वो यहाँ पे भरपूर यहाँ पे वैरायटी, अर्जेंट बेसिस पे अगर चाहिए हो तो वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। अब थोड़ा सा और अंदर आ जाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक और ये वाला डिज़ाइन होगा, दिखाएँ ज़रा नॉर्मल कैमरे पर, दिखाएँ ज़रा ये वाला डिज़ाइन होगा। थोड़ा सा और अंदर आ जाएँ, एक और ये डिज़ाइन होगा टर्किश वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और ये वाला डिज़ाइन होगा, ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब आ जाते हैं हम अब्दुल रहमान साहब के पास, इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, माशाल्लाह आज तो इतनी वैरायटी रखी हुई है कि दुकान में जगह नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। क्या दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में? सर असल में आज की वीडियो में जो है कि इतनी सारी वैरायटी जो है कि उन व्यूवर्स को दिखानी है। काफ़ी व्यूवर्स का जो है कि हमारे शोरूम पर विजिट होता है जो कहते हैं कि यार आपके शोरूम पर जो है कि हम वीडियो में देखते हैं इतने सारे डिज़ाइन होते हैं और आपके शोरूम पर आते हैं तो एक आध डिज़ाइन ही होता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम दुकान की जो है कि लोकेशन के हिसाब से जो है कि बेडरूम सेट रखते हैं। बहुत सारे बेडरूम सेट इसमें ऐसे होते हैं जो ऑर्डर के होते हैं जिसकी हम वीडियो करके जो है कि वो अपलोड कर देते हैं, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली मिल जाती है कि अगर आप शोरूम पर आते हैं तो हम उसकी सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे तो उस हिसाब से आपको जो है कि उसकी डिटेल नहीं मिल पाएगी जो आपको वीडियो में मिल जाती है। तो आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर मौजूद में जो है कि 4-5 डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए एक होलसेल प्राइस के अंदर जो एक्रेलिक का बेडरूम सेट लेकर आए हैं उसकी पूरी वीडियो जो है कि हम आपको दिखाएंगे, उसमें सारी तमाम डिटेल आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि इस महंगाई के दौर में जो है कि इतना कम होलसेल प्राइस के अंदर फर्नीचर जो मिल सकता है वो आपको इमरान सन्स पे से मिल सकता है कि क्योंकि आजकल एक्रेलिक की बहुत डिमांड है मार्केट में। काफ़ी जो है कि व्यूवर्स जो है कि एक्रेलिक के ऊपर उनका जहन है तो उसी के ऊपर हमने एक ये बेडरूम सेट बनाया जो बहुत रिजनेबल प्राइस में बनाया। ठीक है, तो एक दफ़ा यहाँ का एड्रेस बता दें। सर कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट है, करीमाबाद का ब्रिज बहुत मशहूर है, इसके अपोजिट हमारी मार्केट है। इसके अलावा मीना बाज़ार बहुत मशहूर है कराची में, इसके बराबर में हमारी मार्केट है कि मीना बाज़ार तक पहुंच के भी आप जाके किसी से भी पूछेंगे तो आपको मार्केट का एड्रेस मिल जाएगा। मार्केट में आने के बाद आप इमरान सन्स के बारे में किसी से भी मालूम कर सकते हैं, आप हमारे शोरूम तक। तो रहमान साहब फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल सर। तो व्यूअर्स, ये वाला डिज़ाइन होने वाला है आज की इस वीडियो में। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो बेड दिखाएं इसका। सर बेड इसका 6x6.5 की साइज में बेड बना हुआ है, डबल बेड का साइज है, आप देख सकते हैं। इस पर ये फ्रंट पे जो काम हुआ हुआ है ये एक्रेलिक की शीट का हुआ हुआ, ये ब्लू कलर है ज़्यादातर। इस पर पहले भी हमने इस कलर में बेडरूम सेट दिखाए हैं तो व्यूअर्स को लगता है कि ये
ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू कलर में, एक्रेलिक की शीट है, टोटल पार्टेक्स लेमिनेशन पे बना हुआ है, इसमें ये ग्रुप दिया हुआ है, पट्टे वाला डिज़ाइन ये कहलाता है, इसकी साइड टेबल भी इसकी बिल्कुल लेवल की है कि साइड टेबल लगने के बाद ये पूरा वन पीस में आपका नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि साइड टेबल अलग लग रही हो, बेड अलग लग रहा हो। इसके अलावा इसमें साइड टेबल इसकी आप देख सकते हैं, डबल ड्रॉज वाली साइड टेबल इसमें बनाई गई है, ठीक है। ऊपर वाली ड्रॉज में ये लॉक भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ड्रॉज़ों में वही गोली चैनल का काम हुआ हुआ है, और वही जो आपको हर बार दिखाते हैं कि ड्रॉज के अंदर ये एल पट्टियों का काम करते हैं, वही काम इसमें भी हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी महंगे वाले बेडरूम सेट में ये चीज़ और सस्ते वाले में ना हो, ऐसा नहीं है। प्राइस की कमी की वजह सिर्फ ये होती है कि डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, डिज़ाइन के हिसाब से जो कि प्राइस होती है, तो इस डिज़ाइन की हमने बहुत रिजनेबल प्राइस रखी है, लेकिन इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि प्राइस कम है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी मेन वजह मैं आपको बताऊँगा, मैं इसको आपको इसकी साइड की पट्टी दिखाऊँगा जो मैंने अब तक आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। इसकी ये साइड की जो पट्टियाँ हैं, ज़मीन तक की पट्टियाँ तो आपको बहुत सारी दिखाई हैं, हर बेड में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ज़मीन तक की पट्टियाँ बनाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर आपका सामान भी स्टोर हो जाता है, काफ़ी सामान सेफ भी रहता है, और इसकी पायदारी भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पट्टी हमने डबल कर दी है। पहले जो हम पट्टी बनाते थे वो पौने इंच की मोटाई के ऊपर बनाते थे, ये डेढ़ इंच की मोटाई में है, पूरी नीचे तक डेढ़ इंच है, ये आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको इसके अंदर जोड़ नज़र नहीं आएगा, पूरी वन पीस में बनी हुई है ये पट्टी, पूरी डेढ़ इंच की मोटाई के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर के क्लिप आपको दिखाऊंगा, पहले जो क्लिप लगाते थे वो तीन इंच वाले लगाते थे, अभी ये पाँच इंच वाले क्लिप लगा रहे हैं हम, तीन बोल्ट लगेंगे इसके अंदर, मजीद मतलब के पायदारी वाला काम हुआ हुआ है। प्राइस सुन के आप ये ना सोचें कि यार इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ होगा। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा आपको इसमें ड्रॉज बनवाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वो स्टोरेज बॉक्स इसके अंदर दिया गया जी, बिल्कुल ऐसा, काफ़ी आपका गैर ज़रूरी सामान इसके अंदर आ सकता है, ठीक है जी। आप इसे हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट से सेम वही डिज़ाइन आपको मिल जाएगा व्यूअर्स जी, जो हेडबोर्ड पे है जी, फ्रंट के डिज़ाइन ज़्यादातर हमने आपको प्लेन दिखाया है, लेकिन इसके अंदर हमने जो हेडबोर्ड पे डिज़ाइन है वही फुटबोर्ड पे भी इसके डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सर इसकी अलमारी की तरफ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, और भी डिज़ाइन हैं अलमारी इसकी, आप देख सकते हैं थ्री डोर में अलमारी है, बीच में मिरर का काम हुआ है, मिरर वही शीट के ऊपर लगा हुआ है, मिरर कहीं भी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अंदर से आप इसको अभी जैसी बनी हुई है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखवा सकते हैं इसको, जैसे भी रखवाना हो आपने। ये लॉकर बना हुआ है इसके अंदर जो आपको हर बार दिखाते हैं, इसके अंदर भी एक लॉकर बना हुआ है, ठीक है। लॉकर के अंदर भी भाई एक लॉकर दिया गया, लॉकर के अंदर भी एक लॉकर है, ठीक है, ठीक है। दूसरी साइड भी इसकी ऐसी है, एक शेल्फ है, एक ड्रॉज है, सही है। सेंटर में हैंगर वाला है, टोटल हाइड्रोलिक कब्जों के ऊपर काम हुआ हुआ है इसका, ठीक हो गया। अच्छा तीनों पल्ले अलग अलग है, तीनों डोर अलग अलग है, घर जाके ज्वाइंट होके पूरी अलमारी बनती है। चाबी की क्वालिटी देखें, हार्डवेयर माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा है, ये इस तरह की चाबी इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपने हार्डवेयर, और हैंडल वगैरह भी बहुत एसएस के अच्छे लगे हुए होते हैं, ठीक है। रहमान भाई इसकी गहराई कितनी है सर? इसकी 20 इंच की गहराई होती है सर, ठीक है। अंदर अंदर से 20 इंच की गहराई होती है, पल्ले के अलावा, पल्ले के साथ। चलें आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये दिखा, इसकी ड्रेसिंग टेबल है, इसकी 3.5 फिट की साइज में ड्रेसिंग बनी हुई है, तीन दराजे ये है, एक ड्रॉज ये है, एक दो तीन जी, मजबूत है भाई। अच्छा देखें कितने जोर से खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉजों को कुछ भी नहीं हो रहा जी। और इसमें भी अच्छा भाई, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक एक ड्रॉज एक्रेलिक की रखी है, हमने टोटल दरवाजे एक्रेलिक की रखी है, पूरी बॉडी इसकी पार्टेक्स लेमिनेशन पे रखी है, ठीक है। ये ब्यूटी बॉक्स बना हुआ है इसका, एक दो तीन चार, इसके अलावा आप इसमें बढ़वा भी ना चाहें तो वो भी हो सकता है, और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते भाई इमरान सर, बिल्कुल। आप हैंगर रोल बढ़वा लें, कोई शेल्फ बढ़वा लें, तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, ठीक है। मिरर का काम वही शीट के ऊपर हुआ हुआ है आपका, मिरर ये कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पहले जो हमारे पास एक छोटी सी शिकायत आ रही थी इसमें, कि शीशा इसका साइड से टूट रहा था, ठीक है। तो हमने इसमें जो है कि ये एक बॉर्डर दे दिया है, एक्रेलिक का बॉर्डर, इसका लुक भी थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा लुक आ गया है, और इसके अलावा आपका शीशा और मजीद सेव हो गया कि कोई किनारे पे अगर कोई चीज लगे तो ये मिरर आपका कहीं भी नहीं जाएगा, सही हो गया। इसके अलावा ये एलईडी लाइट भी लगाई हुई है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट आती है कि कम से कम ड्रेसिंग में तो एलईडी लाइट होनी चाहिए, तो हमने इसमें दी, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा तो अब आ जाते हैं इसके डिवाइडर की तरफ, डिवाइडर भी सिंपल सा इसका व्यूअर्स, डिवाइडर मिल जाएगा, तीनों पीसेस अलग अलग है, सिंपल सा है, लेकिन काफी सामान इसके अंदर आपका स्टोर हो सकता है, क्योंकि
कम प्राइस के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि डिवाइडर का साइज़ 4 फिट का रखा जाता है, ये 6 फिट वाला डिवाइडर रखा गया है, 3 डोर का डिवाइडर है, अलमारी के साइज़ के ऊपर तीनों डोर इसके अलग अलग है। अंदर से आप इसे देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आपका कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। और थोड़ा करीब से अगर आप हाइड्रोलिक कब्जे दिखाएं, यहाँ से आगे कब्जे भी इसके अंदर टोटल हाइड्रोलिक लगे हुए हैं, जो अलमारी में लगे हुए हैं वो इसी में लगे हुए हैं, जहाँ तक होता है। हाँ, यहाँ तक देखें व्यूअर्स, ये आपको हाइड्रोलिक कब्जे मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके नीचे ये स्टोरेज बॉक्स अलग से एक और दिया हुआ है, हर डोर के नीचे दिया हुआ है, हर डोर के नीचे है कि इसमें कोई बड़ा सामान आप अपना स्टोर करना चाहें तो बहुत इजीली और शेल्फ वगैरह बढ़वा सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लेते हैं। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, बहुत खूबसूरत दिखा दिया आपने, इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल इसकी बता दें चंद लफ्जों में बस। ये वाला यहाँ से आगे दिखाएं, यहाँ से आगे दिखाएं, ये जो बेडरूम सेट है ये टोटल पार्टेक्स लेमिनेशन में बना हुआ है, इसमें जो आप लाइट कलर का ये काम देख रहे हैं ये लासानी टेक्सटाइल की शीट का काम हुआ हुआ है, लासानी टेक्सटाइल भी बहुत इन है मार्केट के अंदर, इसके अंदर आपको 100-150 कलर मिल जाएंगे जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखवा सकते हैं। ये बेड भी जो इसका बना हुआ है ये 8 फिट की साइज पे बना हुआ है, इसका हेडबोर्ड इसके आगे जो है ये साइड टेबल इसके आगे आती है, ठीक है। इसकी साइड टेबल आप देख सकते हैं, दोनों साइड टेबल है, थोड़ा सा वो वाला भी दिखा दें, ये टोटल पार्टेक्स लेमिनेशन के अंदर बना हुआ है, इसमें कहीं लासानी का काम नहीं है, कहीं एक्रेलिक का काम नहीं है, ये टोटल पार्टेक्स लेमिनेशन में बना हुआ है बेडरूम सेट। इसके अलावा व्यूअर्स ये वाला डिजाइन, ये बेडरूम सेट आप दोबारा दिखाइएगा जरा, इनको पूरा लुक नजर आएगा आपको इसका बेड का, कितना जबरदस्त लुक है, ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगा आपको हमारे शोरूम से, ठीक है। चेक करें व्यूअर्स, ये डिजाइन मिल जाएगा। इसके अलावा ये डिजाइन अगर कोई लेना चाहता है, ये इसको डिजाइन को यहाँ से दिखाओ जरा सामने से, ठीक है। फिर आते हैं हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, डिज़ाइन दिखाते हैं बस आप एक दफ़ा हमारे व्यूवर्स को, कितना खूबसूरत ये वाला डिज़ाइन व्यूवर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अब्दुल रहमान साहब के पास वापस। अच्छा, बाहर जो हमने आपको सोफ़ा का मैट दिखाए थे, सिंगल वाला, डबल वाला, लोहे वाला और सिल्वर वाला, आयरन वाला, स्टील वाला, तो इसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, थोड़ी सी जो है ना डिटेल्स बता दें कि क्या है बस वो। सर सोफ़ा कम्बेड में इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ है हमारे पास, जैसे कि आयरन में, टोटल आयरन में भी है, स्टील में भी है, स्टील के साथ स्टोरेज लेने का फायदा क्या है ये तो बताएं। सर जगह का बहुत बड़ा इशू है इसमें, एक जगह और एक क्वालिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है कि व्यूवर्स को चाहिए होती हैं, तो उसी भी आपके ऊपर ये सोफ़ा कम्बेड बना हुआ है कि आपके एक तो जगह का इशू ख़त्म हो जाएगा, बेड के जो इशू है आपका कि बेड भी इस्तेमाल करना है आपने वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ के इसको इसकी आपको पायदारी बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी, क्योंकि जो लकड़ी वाले सोफ़ा कम्बेड होते हैं उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक हो गया। तो उसके लिए रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस पर एक स्पेशल डील भी है व्यूवर्स, आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी सिर्फ कराची वालों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा 10,000 से 15,000 रुपये आपको सोफ़ा कम्बेड पे डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप हमारे रेफरेंस से आएंगे तो। अब आ जाते हैं वापस बेडरूम सेट की तरफ जी, बिल्कुल। सर क्या प्राइस देंगे? सर इसकी बिल्कुल नहीं, रुके वहाँ से स्टार्ट करते हैं उस वाले से, क्योंकि जी बिल्कुल वो सस्ता है थोड़ा सा। पहले ये डिज़ाइन दिखाएं भाई, प्राइस बताएं। ये बेड देख लिया आपने, इसकी अलमारी पीछे रखी हुई अभी अनकम्प्लीट है, स्लाइडिंग अलमारी है जी, स्लाइडिंग अलमारी है, इसके साथ एक तरफ डिजाइन है, एक तरफ ये मिरर आएगा, ठीक है। और ये 1.5 इंच मोटाई में पल्ले बने हुए हैं इस अलमारी के, ठीक है। इस अलमारी के पल्ले 1.5 इंच की मोटाई में बने हुए हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल आप हमसे जो है कि कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, मैं इसकी सिर्फ आपको प्राइस बता दूंगा कि इसकी बहुत रिजनेबल प्राइस हमने रखी है। पूरा 4 पीस का सेट आपको ये मिलेगा 1,10,000 रुपये में, 1,10,000 रुपये का आपको स्लाइडिंग वाली अलमारी मिल जाएगी, फुल साइज का बेड मिल जाएगा, ड्रेसिंग मिल जाएगी, डिवाइडर मिल जाएगा 4 पीस का जी। आगे आ जाते हैं ये वाला बेडरूम सेट। सर इसमें लासानी टेक्सटाइल का काम हुआ हुआ है, इसकी अलमारी ये रखी हुई है, इसकी अलमारी भी हाफ स्लाइडिंग के अंदर अलमारी बनी हुई है इसकी, ये आप देख सकते हैं हाफ स्लाइडिंग में इसकी अलमारी है, ये दोनों साइड के डोर इसके स्लाइड वाले हैं, बीच वाला डोर ये इसका खुलने वाला होगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला बेडरूम सेट अगर आप हमसे लेते हैं तो इसका पूरा 4 पीस का सेट आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर मिलेगा, लासानी टेक्सटाइल के साथ ये आपको 1,25,000 रुपये का पूरा 4 पीस का सेट, 1,25,000 रुपये जी, बिल्कुल, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसकी क्या प्राइस देंगे? सर इसकी प्राइस ये दूंगा मैं आपको, जैसे कि मैंने ये लासानी वाला बताया, अब लासानी की शीट में और एक्रेलिक की शीट में काफ़ी फ़र्क है प्राइस का, तो उस हिसाब से अगर जाते तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा जानी थी कि इसकी प्राइस में और उसकी प्राइस में कम से कम 30,000 से 35,000 का फ़र्क आना था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ उस सेट में और इस सेट में 10,000 रुपये का फ़र्क रखा गया है, ये वाला 4 पीस का सेट आपको 1,35,000 रुपये में इमरान सन से मिल जाएगा, ठीक है। 1,10,000 रुपये
125,000 रुपये, 135,000, 135,000 रुपये, सबके 4 पीसेज हैं। बेड भी होगा, डिवाइडर भी होगा, ड्रेसिंग भी होगा, अलमारी भी होगा। इसके अलावा अगर कोई एक पीस लेना चाहता है इमरान सन से, तो इंशाल्लाह आपको वो भी होलसेल प्राइस पर बना के दिया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर कोई अर्जेंट बेसिस पे किसी को चाहिए, तो अब माशाल्लाह से इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, 3 दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह ये लोग 4 पीस का बेडरूम सेट बना कर दे देंगे। और अगर हम बात करें एडवांस की, तो एडवांस भी आप सिर्फ 10% पेमेंट से आप इंशाल्लाह यहाँ पे एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए 1 से 2 महीने के बाद, तो आप अगर आप इनसे अभी बुकिंग करवाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसी प्राइसेस पे इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि आपको पता है डेली प्राइसेस बढ़ रही हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो इन चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है फॉर्म की प्राइसेस पे और लकड़ी की प्राइसेस पे जी बिल्कुल, और इसके अलावा शीट्स की प्राइसेस पे। तो रहमान भाई, ये सब चीज़ें मतलब आप कवर कर लेते हैं आप लोग? जी बिल्कुल कर लेते हैं सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स थे जो हमने दिसंबर में लिए हुए थे, जो आज फरवरी में जो है कि वो ऑर्डर हमें देने के हैं। तो हमारी किसी व्यूवर्स से ऐसी बात नहीं है कि भाई शीट पे प्राइस बढ़ गई या कुछ हो गई, क्योंकि उसका बेनिफिट हम अपने नए व्यूवर्स को भी देने जा रहे हैं कि हमारी जो पुरानी प्राइस थी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वही प्राइस रख रहे हैं, ना क्वालिटी में कर रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह यह है कि अब अपनी फैक्ट्री करने के बाद जो है कि हम आपको जो है कि इसका बेनिफिट देने जा रहे हैं कि हम अपने जो भी आप हमारा बेडरूम सेट यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, जो रेट उसमें दिए हुए होंगे उसी रेट पर आपको बेडरूम सेट मिलेगा, उसमें कोई रेट में फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब्दुलरहमान साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। अब यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।